बाकी और भी बहुत काम होते हैं, वर्क परमिट लड़कियों के लिए होता है। वीक में जब स्टार्टिंग होती है तो एक वीक में 3 बार चले जाओगे जब बंदा न्यू आता है इधर। जो स्टूडेंट को बेनिफिट है ना, पूरे यूरोप में जा सकता है स्टूडेंट। कुछ कॉलेज 400-500 यूरो वो ले लेते हैं, बचा कितना 1500। रेंट भी रूम भी मिल जाता है, 200 एक बंदे के लिए रेंट होता है निकोशिया में। नॉर्मल चीज़ें जैसे जर्मनी वगैरह में जाओगे या किसी और देश में यूरोप की साइड जाओगे तो महंगे हैं चीज़ें। वोल्ट की डिलीवरी या फिर फूडी होता है, फूडी कंपनी होता है। कोशिश करने से काम मिलता है, काम ढूंढने जाओ मिल जाता है काम। साइप्रस का लाइसेंस 6 महीने बाद बना सकते हो, वो 6 महीने से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग, और स्वागत है आप लोगों का एक और न्यू वीडियो में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सस्रीकाल, कोई व्लॉग नहीं बनेगी, कल बन गई थी मेरी, अभी मैं दिन भर बिजी रहूंगी, देखते हैं कल को। इसका तो भाई काम पे जाने का टाइम हो गया है, अभी बेचारी काम पे जाएगी। काम पे किसी का जाने का दिल नहीं करता यार। तो भाई अभी महिमा काम पे गई है और बाइक घर पे आ गया हूँ मैं। तो बाइक में यार तेल थोड़ा बच गया है, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सोचा अगर बाइक को चला के लेके जाऊँगा तो कहीं रास्ते में ना रुक जाए, इसलिए चल के जाके पेट्रोल लेने जा रहा हूँ। उधर दोस्त कुछ काम करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं पेट्रोल पंप पे। ये मेरा दोस्त है, इधर का लड़का है, सिकलर है थीने तो दोरे ते ऐसे कैमरा रे एगो में सा यूट्यूब और किस सर यूट्यूब है ना ऐसे इंटरनेट बताओ सो बे आप तो ती प्रॉब्लम हो बता ए कब से शेयर नहीं यदि सी मोनोस्टो आ एला एला हेलो ए सब्सक्राइब सब्सक्राइब से गला रे रे अगन पाए से बेंजीन आ हां भाई दुलिया बेंजीन ओए ओए दुलिया रे हेलो बेंजीन आ लो ए मैं सब बता रहा भाई वो बता रहा था एम्बुलेंस आई है उधर, उसका हाथ कट गया, उधर लड़की का काम करती है शॉप में, उसका उंगली कट गया थोड़ा सा, इसलिए एम्बुलेंस आई थी उधर। भाई पंप पे पहुंच चुके हैं, ये जो है रोमानिया का है। सिकला रे रे जिनोर को कैमरा ये ला दो ओई ले ओई ओई दियो को छा पेंदे को छा पेंदे को छा ये ला स्विच पुला ये ला सिकला भाई हमारा दोस्त गोपी हमें तेल देगा आज 5 यूरो का 95। ये गोपी तेल डाल रहा है भाई, अभी देखते रहो 5 यूरो का डालेगा ये। गोपी पे ब्लॉग बनाएंगे हम एक दिन। बस कर जा तू तो घोली आना वा। और यार आज हम कुछ बातें करेंगे काम के बारे में, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं साइप्रस में जब कोई न्यू स्टूडेंट आता है, और ख़ास करके जब वो सर्दियों में आता है। भाई बहुत लोग पूछते हैं कि यार हमने पैसे दे दिए हैं, हमारा वीज़ा कब आएगा, और कुछ लोग पूछते हैं इंग्लिश कितनी चलती है इधर, और कुछ लोग पूछते हैं सर्दियों में काम कैसा है, गर्मियों में कैसा है, सैलरी कितनी है, और काम मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे यूट्यूब के वीडियोस के नीचे, तो आज सभी का जवाब देंगे। और कुछ लोग बोलते हैं आईलेट्स ज़रूरी है कि नहीं है, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है, और लड़कियों के लिए सेफ है या लड़कियों का वर्क परमिट कैसा है, स्टूडेंट आना सही है जहाँ वर्क परमिट पे आना सही है। पहले तो भाई बाइक में तेल डाल दें,
सारा तो नहीं डला है, बच गया थोड़ा सा। थोड़े से वीडियोस के कलर सही किए मैंने, कलर ग्रेडिंग की वीडियो की थोड़ी सी, जो जो सही लगा, जो जो कट लगाने थे वो कट लगाए, और न्यू ब्लॉग की सारी एडिटिंग करनी शुरू की मैंने। मुझे बताया करो कि कलर वगैरह कैसे होते हैं, कलर वगैरह सही होते हैं वीडियोस में। तो भाई साहब अभी आए हैं थोड़ा सा बाहर, इधर देखिए माहौल कितना अच्छा बना है, क्रिसमस के मौके पे ये लगा रखी हैं मूर्तियाँ पास में जाके, ये इनका है सारा सेटलमेंट। और यार आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले तो अभी के टाइम पे जो प्रॉब्लम हो रही है लोगों को साइप्रस में, जो लोग अभी आएंगे उनके लिए क्या प्रॉब्लम है सर्दियों में, तो भाई उनके लिए है कि सर्दियों में बारिश बहुत होती है, सिर्फ एक ही काम ज़्यादा चलता है वो है डिलीवरी का, जो लोग कर सकते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि डिलीवरी में करना ही पड़ता है चाहे बारिश हो कुछ हो, लोग खाना तो नहीं छोड़ते हैं ना, तो वो तो करनी पड़ती है डिलीवरी, तो वो काम तो बंद नहीं होगा, इसलिए जो लोग बारिश में काम करना चाहते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बारिश में बहुत ठंड होती है सर्दियों में, थोड़ा सा आदमी भीग जाता है तो बस ठंडी हवा बारिश, तो रेनकोट पहन के काम कर लेते हैं हमारे बंदे। लेकिन दूसरे लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो रेस्टोरेंट होते हैं सर्दियों में बंद हो जाते हैं क्योंकि टूरिस्ट नहीं होते हैं, 60% रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, सिर्फ 40% रेस्टोरेंट खुले होते हैं जो कि पूरा साल चलते हैं, इसलिए उनको काम नहीं मिलता है, लोगों को सर्दियों में काम मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करो कि ऐसा काम ढूंढो सर्दियों में जो पूरा साल चल रहा हो, और आप शॉप के बाहर जाके घूमो, जो लोग न्यू आ रहे हैं चेक करो कौन कौन से काम मिल रहे हैं, इधर उधर देखने से ही पता चलता है। भाई सैलरी बहुत लोग पूछ रहे हैं, भाई सैलरी कितनी है, सैलरी क्या है, नॉर्मल जो सैलरी है ना जैसे रेस्टोरेंट की होटल की, नॉर्मल 900 से लेके 1100 1150 तक हो सकती है, इतनी सैलरी तो होती है नॉर्मल, ऊपर से ओवर टाइम डाल के 1200-1300 यूरो या 1400-1500 यूरो भी मिलती है कुछ लोगों को, तो इतनी सैलरी है इधर, तो आप खुद हिसाब लगा सकते हो, ऑनलाइन चेक करो, यूरो टू INR डाल के यूरो टू रुपीस डालो, प्राइस आप लोगों को गूगल पे पता चल जाएगा। और काम भी बहुत है, स्टूडेंट जो बेस्ट, जो वीज़ा बेस्ट है ना वो स्टूडेंट का है, वर्क पे सोचते हैं हम वर्क पे आएंगे, वो वीज़ा बेस्ट नहीं है, जिन लोगों को पैसा कमाना है वो स्टूडेंट पे आएँ, क्योंकि वो मूव भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वर्क वीज़ा बुरा है, लेकिन वर्क वीज़ा पे मूव नहीं हो सकते आप, ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और वो मालिक आपको काम करने के लिए बुलाएं तो काम ही करना पड़ेगा आप लोगों को, बाहर नहीं निकल सकते हो आप, क्योंकि उनका खुद का घर पे रहना होता है, जहाँ उनके खुद की फैक्ट्री में रहना होता है, जहाँ कुछ भी वो रूम देते हैं उधर रहना होता है उनके। जैसे हम लोग घर पे कोई नौकर रख लें तो वो हमारा नौकर रहेगा कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे मैं अभी खुला घूम रहा हूँ ना, वर्क परमिट वाले खुला नहीं घूम सकते हैं, उनको बंद के रहना होता है अपने अपने घरों में मालिक के नीचे। मालिक ने बोल दिया कि निकल जाओ घूम आओ, चलो आज संडे है तभी आप घूमने जा सकते हो, नहीं तो अगर वो बोलेगा नहीं जा सकते तो नहीं जा सकते, अगर उससे प्रॉब्लम करोगे तो वो आपका वीज़ा कैंसिल कर सकता है। मोस्टली तो ऐसा होता है, संडे के दिन भी काम होता है, वर्क परमिट ज़्यादातर होते हैं फार्म के ऊपर, गाय का फार्म, बकरी का फार्म, सुअर का फार्म, घोड़े का फार्म होता है, जो ऐसे ऐसे फार्म होते हैं। बाकी और भी बहुत काम होते हैं वर्क परमिट, लड़कियों के लिए होता है, घरों में होता है काम, होटल में होता है, लड़कियों का काम भी मुश्किल होता है, घरों में करना होता है, खाना बनाओ, उनके घर की सफाई करो, ऐसे ऐसे होता है। जो बच्चों का संभालने का काम होता है उसमें बच्चे संभालो, सारा दिन बच्चों के पास बैठे रहो, घर पे रहो, कहीं जाना नहीं है। बूढ़े लोगों को संभालने का भी काम होता है, बूढ़ा बूढ़ी होते हैं जो ओल्डर होते हैं, जो ओल्ड लोग होते हैं ना उनको संभालने का भी काम होता है इधर को, लेकिन वो थोड़े मुश्किल हैं क्योंकि उनको संभालना मुश्किल होता है, उनको उठाना होता है, इधर उधर वॉशरूम लेके जाना होता है जो चल नहीं पाते हैं, तो वो लड़कियों के लिए मुश्किल हैं थोड़े से। कुछ लड़कियाँ बोलती हैं हम कर लेती हैं, इंडिया में बोलती हैं, इधर आके उनसे नहीं होता है वो सब, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए वर्क परमिट थोड़ा सा मुश्किल है। और जो स्टूडेंट है उसमें मेरे जैसे जैसे मैं घूम रहा हूँ ऐसे घूम सकते हो आप अपनी मर्जी से, जब दिल करे क्लास लगाओ, ऐसा नहीं, कॉलेज वाले भी आपको बोलते नहीं हैं क्लास लगाने आओ ज़्यादा,
वीक में जब स्टार्टिंग होती है तो एक वीक में 3 बार चले जाओगे, जब बंदा न्यू आता है इधर पहले 3 महीने तो एक वीक में 2-3 बार जा सकते हो जब तक काम नहीं मिलता है। जब काम मिल जाता है काम करो, कॉलेज वालों से बात करो, भाई मैं काम भी करता हूँ, मैं रोज़ रोज़ नहीं आ सकता, तो आप आराम से मैनेज कर सकते हो, बात करने का तरीका होता है। तो भाई आज बहुत दिनों के बाद फिर इस पार्क में आए हैं, बात करते करते यार मुझे चलने की आदत है, चलते चलते अच्छा व्यू रहता है। वर्क जो स्टूडेंट होता है ना, और वो मूव भी हो सकता है जिधर मर्जी जाए, जब उसको पिंक स्लिप मिल जाती है, पिंक स्लिप मिलने के बाद वो कहीं भी जा सकता है। बाकी ये व्यू चेक करो, इधर छोटी सी चर्च बनी है, ये बिल्कुल छोटी सी है। तो भाई स्टूडेंट, जो स्टूडेंट को बेनिफिट है ना, पूरे यूरोप में जा सकता है स्टूडेंट, कोई ऐसी जगह नहीं है जिधर स्टूडेंट नहीं जा सकता है। तो स्टूडेंट के लिए तो बहुत बेस्ट है, स्टूडेंट आओ, काम भी ज़्यादा है, सैलरी भी ज़्यादा है, स्टूडेंट कमा सकता है 1500-1600 ओवर टाइम लगा के, पूरी मेहनत करके। मूव कर जाओ यार, मूव हो जाते हैं इधर, 2-2 महीने बाद आके बंदे खुद मूव हो गए हैं। मेरे खुद के दोस्त बहुत मूव हो गए हैं आते आते, जो अभी आते हैं मुझे यूट्यूब से जानते हैं, इधर मिलते हैं और पता चलता है 2 महीने बाद वो इधर से निकल गए। ठीक है, प्रॉब्लम भी बहुत आती हैं, जो तुम लोग 2000 यूरो लेके आते हो, कुछ लोगों को नहीं पता है, वो खर्च हो जाते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि उनको पता नहीं होता है वो 2000 यूरो क्यों है। कुछ कॉलेज 400-500 यूरो बोले लेते हैं, बचा कितना 1500, और तुम लोगों का बस का किराया होता है इसमें, ठीक है, इधर उधर आने का, घर का रेंट होता है, बिजली पानी होता है, वो इसलिए होते हैं 2000 यूरो। जब तक आप लोगों को काम नहीं मिलता है, आप लोगों की इमिग्रेशन नहीं होती है, काम नहीं मिलता है, तो वो बहुत सोच समझ के चलाने होते हैं। कुछ लोग आते हैं 2000 यूरो, जैसे सभी बुरे नहीं होते हैं, ठीक है, आप लोगों को ये नहीं पता मैं बुरा हूँ कि अच्छा हूँ। कुछ लोग आके मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लें और बाद में मैं बुरा निकलूँ और मैं बोलूँ हाँ भाई हाँ मैं तुझे काम दिला दूँगा, और बाद में मैं उसी के पैसे खाता रहूँ, भाई चल आज ये खाते हैं, टेंशन मत ले मैं काम दिला दूँगा, कोई बात नहीं है, तू निकाल जो भी तेरे पास पैसे हैं, हम दारू पीते हैं, हम ये खाते हैं, मैं उसको ऐसा ऐसा बोलूँ, उसका 2000 यूरो ख़त्म हो गया। बाद में जब काम ढूंढने की बारी आई तो मैं उसको बोल दूँ भाई मुझे नहीं पता है, तू खुद जाके ढूंढ ले। तो ऐसे लोग पुराने होते हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अगर तुम लोगों का बहुत ही खास है, रिश्तेदार है, तो जानता है, तो वो तुम लोगों के ऊपर डिपेंड है, ऐसा ऐसा होता है। अपना 2000 यूरो बहुत सोच समझ के खर्चा करो, आओ इधर अपना अलग से रहो, रेंट भी रूम भी मिल जाता है, 200 एक बंदे के लिए रेंट होता है निकोशिया में, पाफोस में थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, निकोशिया में मैक्सिमम 200 है, क्योंकि एक रूम में 2-2 बंदे रहते हैं, 400 का भी रूम होगा तो 2 बंदे 200-200 करके दे देते हैं। बिजली पानी आ जाता है 50-60 यूरो एक रूम का, 2 महीने बाद आता है, हर 2 महीने बाद। बाकी यार ज़्यादा खर्चा नहीं है, साइप्रस चीप कंट्री है, नॉर्मल चीज़ें जैसे जर्मनी वगैरह में जाओगे या किसी और देश में यूरोप की साइड जाओगे तो महंगे हैं चीज़ें, साइप्रस में इतनी महंगी नहीं है। जो भी आपके पास पैसे होते हैं सोच समझ के खर्चा करो, जो जिन लोगों को दारू पीने की आदत होती है भाई सोच समझ के दारू पियो, ठीक है, क्योंकि बाद में काम नहीं मिलता है, मुश्किल होती है, दिहाड़ी वगैरह पे कभी कभार मिलती है, और जो परमानेंट काम होता है वो मुश्किल से मिलता है, क्योंकि इधर बहुत लोग हैं, बहुत इंडियन है, इसलिए काम मुश्किल मिलता है। कुछ लोगों की इंग्लिश सही नहीं होती है, इंग्लिश सही होने नहीं होने की वजह से भी काम नहीं मिलता है। तो बाकी ऐसा नहीं है कि काम मिलता ही नहीं है, काम मिलता है, फिर थोड़ी से कोशिश करने से काम मिलता है, काम ढूंढने जाओ मिल जाता है काम, नहीं तो नहीं मिलता है, तो खुद का डिलीवरी करो, बाइक रेंट पे लो, डिलीवरी की एप्लीकेशन डाउनलोड करो, किसी मैनेजर से बात करो कि मुझे वोल्ट की या डिलीवरी की किसी की आईडी बना के दो, वो आईडी बना के दे देता है, भाई अपना काम शुरू करो बस। वोल्ट की डिलीवरी या फिर फूडी होता है, फूडी कंपनी होता है, उसका जो एप्लीकेशन होता है वो डाउनलोड करो, और कोई मैनेजर अपने दोस्तों जो पुराने हैं उनसे पूछो कि भाई कौन मैनेजर है इधर वोल्ट का, वो उसका डिलीवरी का जितना मर्जी आईडी कोई भी आएगी, जितने मर्जी स्टूडेंट आए वो बनवा सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है, उनको तो बंदे चाहिए होते हैं। अभी तक अभी जो टाइम है ना, ऐसा कोई भी नहीं है कि जो काम नहीं कर सकता है, कोई भी हो डिलीवरी कर सकता है। इंडिया से लाइसेंस इंटरनेशनल बनवा के आओ अपना,
जो भी लोग आ रहे हैं अपनी कंट्री से इंटरनेशनल बनवा के आओ साइप्रस का, उन जब आप लोगों का वीज़ा आ जाता है, जिधर इंटरनेशनल लाइसेंस बनते हैं तुम लोगों की कंट्री के, चाहे वो नेपाल है, बांग्लादेश है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो श्रीलंका है, उधर वीज़ा दिखाओ और बोलो कि हम उस कंट्री में जा रहे हैं, हमारा ये लाइसेंस इंटरनेशनल में कन्वर्ट कर दो, तो वो जो लाइसेंस 6 महीने आप इधर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जब तक वो साइप्रस का लाइसेंस नहीं बनता है, साइप्रस का लाइसेंस 6 महीने बाद बना सकते हो, वो 6 महीने से पहले आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, और हाउस कॉन्ट्रैक्ट और बिजली का बिल चाहिए होता है। जिधर लाइसेंस बनते हैं उधर जाओ, वो थोड़ा सा आपसे टेस्ट लेते हैं, कुछ साइन वगैरह बोलते हैं कि ये क्या है, वो स्टॉप का साइन है, वो नो एंट्री का साइन है, वो ग्रीन लाइट रेड लाइट, वो सब पूछते हैं, सारे जो साइन होते हैं ना, तो ऐसा ऐसा करके वो 10-15 सवाल पूछेंगे, उसमें से 5 या 7 सही दे दो तो वो लाइसेंस आपको उसी वक्त दे देते हैं। आधे घंटे में लाइसेंस बन जाता है, इतना मुश्किल नहीं है, 6 महीने के बाद बन जाता है। और उसके बाद आप अपने खुद के लाइसेंस पे गाड़ी खरीदो, कुछ खरीदो, नो प्रॉब्लम। जो पहले 6 महीने के पहले है वो रेंट पे बाइक ले सकते हो आप, इंटरनेशनल लाइसेंस कहीं कहीं चल जाता है। यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो भी डालता हूँ और खुद के वीडियो वैसे ब्लॉग भी होते हैं, तो जिनको अच्छा लगता है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में।